തീർച്ചയായിട്ടും और भी एक हमें ध्यान दिया। मैं सोचता हूँ हर रोज प्रभु का वचन आपको मालूम है कि हर रोज प्रभु की दया अमर नया होती जा रही है ना। प्रभु का आज के दिन भी प्रभु का दया अमर है ना। मैं सोचता हूँ कि मतलब रोज रोज यदि ये दया नहीं मिलता हमारे जीवन का दौड़ नहीं होता है। प्रभु प्रभु का वचन में जब आपको याद है मिलाप की तो उसका तीसरा अध्याय का 22-23 वचन, हम मिट नहीं गए। क्यों नहीं मिट नहीं गया? यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखा क्या मतलब प्रभु का करुणा का फल है, हम मिट नहीं गया। मतलब यदि प्रभु का करुणा अमर नहीं होता हम मिट जाता, हम मिट जाता। देखो हमारा कोई अच्छा काम के कारण हम जिंदा है ऐसे क्या नहीं, ऐसे नहीं। प्रभु की करुणा है। ये एक एक वचन को पढ़ने के समय में हमें कितना जानना चाहिए मुझ पर प्रभु का कितना बड़ी करुणा है। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है और आगे उसकी दया क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। देखा प्रतिभोर वो नया होते रहता है। योग मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज रोज प्रभु हम पर दया कर रहा है ना। प्रभु हमको वो चाहता है अपना प्रभु का बारे में एक सच्चा ज्ञान रहना कितना बड़ी बात है ना। हर एक पवित्र लोग उधार पाए हुए लोग, ये दुनिया के लोगों को प्रभु का सच्चा ज्ञान नहीं, वो लोग प्रभु को नहीं जानता है। लेकिन जो नया जन्म पाया जो उधार पाया वो भी तो प्रभु को जानता है ना। अगर हम मतलब प्रभु को जानने के बाद में उस जानकारी का जानकारी के अनुसार का जीवन होना चाहिए। हमारे प्रभु कितना महान है। आपको मालूम है जब मतलब अपना प्रभु का बारे में हमारा हमारे लिए प्रभु का मतलब विचार भावना के बारे में ऐसे मोटे नए अध्याय का 15 वचन में है ना, एक माँ के तुल्य अपनी बच्चों को प्रति प्रेम करने वाले एक माँ का तुल्य अवस्था में, और फिर भी बोलता है कि अगर माँ भी भूल सकता है तो भी मैं नहीं भूलेगा है ना। कितना अनोखे शब्द है प्रिय, थोड़ा पढ़ना उसको। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। थोड़ा तो भूल सकती है। देखा हाँ वो भूल सकती है, वो भूल सकती है, पर तो प्रभु नहीं भूलेगा। एक माँ भी भूल सकती है। आज का अवस्था बोलेगा तो कितनी माँ लोग अपने बच्चों को बेच डालता है, अपने बच्चों को बकेट में डुबा कर मार देता। इतना बड़ी बात है, इतना हीन कृत्य आज इस पीढ़ी में हो रहा है ना। जब ये लिखा गया उस समय में मतलब लोगों के रिश्ता बहुत अच्छा था, उस समय में पाप इतना बढ़ा नहीं, पर तो आज इतना पाप बढ़ गया कुछ भी हीन कृत्य करने के लिए। तो मालूम नहीं एक बार एक इधर ही गांधी का कचरदानी में एक बच्चा रोते हुए आवाज आया, कुत्ता उसको मतलब काटने जा रहा था, एक व्यक्ति ड्यूटी करके आ रहा था, वो आवाज सुनकर जाकर लेकर एक बच्चा एक तो जन्मा हुआ बच्चा, फिर उनको लेकर के उबनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचाया। देखो अगर वो व्यक्ति उधर से नहीं आता तो वो कुत्ता उसको खा लेता था। इतना भयंकर बात है। देखो इतना मतलब इतना ऐसे सुनने से कितना बुरा लगता है ना। देखो जन्माने के बाद में बच्चों को भूल जाने वाला माँ प्रियो, अरे हमारे प्रभु हमें नहीं भूलता है ना। प्रभु हमको कभी नहीं भूलता प्रियो, प्रभु हमको इतना चाहता है। इसलिए ऐसा प्रभु को जानने के बाद में हमारा भी एक कर्तव्य रहता है हम प्रभु को भी ना भूले है ना। लोग इतना प्यार करने वाला इतना चाहने वाला वो प्रभु को नहीं भूलने चाहिए। इसलिए प्रभु ने बोला ना अनुवाद की किताब में 6:12 अनुवाद 6:12 सब सावधान रहना ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। प्रयोग अगर हमारे जीवन को अगर हम थोड़ा रुक करके देखेगा तो है ना, हम लोग वास्तव में प्रभु को याद करके जीवन बिताते हैं क्या है? प्रभु को बोला हुआ अनुभव मेरे जीवन में आया है क्या है ना। कितनी बात करने के टाइम पर कितना काम करने के टाइम पर लोगों ने प्रभु को भूल करके काम किया, प्रभु ने प्रभु को भूल करके बातें किया। प्रियो प्रभु को उन्हें भूलो, हमेशा हम प्रभु को याद करना चाहिए। मुझे इतना अनुग्रह दिया हुआ, इतना आशीष दिया हुआ, उस प्रभु को मुझे इतना आभार दिल से याद करना चाहिए।
है ना। और प्रभु को मालूम है कि मेरे लोग मुझे भूल जाएगा, इसलिए प्रभु ने एक आज्ञा स्वरूप बोला कि तू अपना प्रभु को नहीं भूलना। देखो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मतलब हमारा प्रभु का बारे में एक सच्चा ज्ञान रहना कितना अच्छी बात है ना। जब माला की तीसरा अध्याय का 6 वचन में प्रभु अपना मतलब सविशेषता एक गुण प्रकट करके बोलता है, मैं ना बदलने वाला या ना मिटने वाला, क्या बोला? हाँ बदलता नहीं। देखा, मैं बदलता नहीं इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए है प्रयोग। हाँ, ऐसा ना बदलने वाला, वो हमेशा एक सा रहने वाला, हमें उस प्रभु के साथ मिला रहना है ना। हम उस प्रभु से कहीं दूर ना हो, है ना। कई रीति में कई प्रकार लोग सच्चा जीवित प्रभु से दूर जा रहे हैं। ऐसा एक अवस्था में आज हम लोग जीवित है ना। भाव और बुराई इतना बढ़ते जा रहा है, लोगों को प्रभु का विश्वास उड़ते जा रहा है। इसलिए किसी कारण ये ना बदलने वाला प्रभु मुझसे दूर ना हो, प्रभु को दूर करने वाला कोई कार्य मुझ में ना हो। जो अनुवाद में अनुवाद उसका 23:14 अनुवाद 23:14 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। देखा, यदि प्रभु हमसे दूर होने वाला कोई कार्य हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे देश में ना रहने दे। देखा, ये सावधान रहने वाली बात है। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई अशुद्धि की बात देखेगा तो प्रभु हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। यदि हम पवित्र जीवन नहीं बिताएगा, पापमय जीवन बिताएगा, तो प्रभु वो बात को देख करके हमसे दूर हो जाएगा। हम कभी भी प्रभु हमारे जीवन से दूर होने वाला कार्य ना करें। आज वास्तव में मैं प्रभु के साथ चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना। सानो तो प्रभु के साथ चला है ना, प्रभु का हरेक बातों में वो सहमत था, इसलिए वो विजय पाया। आज अपना भी जीवन में हमें पढ़कना है कि प्रभु को दुख देने वाला कोई भी कार्य में अगर करेगा तो प्रभु मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तो प्रभु ने ये सब वचन दिया है, ये सब हमारे लिए एक प्रकार का वायदा है। और हम उन बातों को, उन वचनों को भूल जाएगा तो हम प्रभु का संगति नहीं कर पाएगा। आज बहुत लोग एक बिजी जीवन क्यों नहीं बिता पाता, क्योंकि तो प्रभु ना चाहने वाला भाव और बुराइयों में वो खुद चल रहा है, वो प्रभु को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं। अपने 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 को जो अच्छा लगता वो मार्ग में चलता, ऐसा मार्ग में प्रभु कभी नहीं आएगा। हमेशा हमें मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला कामों में लेकर रहना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग मतलब समय को पहचान करके, अवसर को पहचान करके हमें कितना सावधान रहना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो पिछले दिनों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के और ध्यान से देख करके चलने वाला विषय को मतलब देख रहा था, एक सब्जेक्ट एक बात रह गया था। आज इस उपवास प्रार्थना में वो बात को पूरा करने के लिए चाहता हूँ। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद भी प्रभु का बुलाहट का महत्व का योग्य जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है ना। हम लोग सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना, प्रभु का योग्य जीवन बिताना, ये सब बुलाहट पाया हुआ अरे पवित्र लोगों का कर्तव्य है। अभी हमने 6 बातें देखा, मतलब हम लोग क्या ये बुलाहट पाया हुआ है ना, ये स्वर्गीय बुलाहट पाया हुआ, ये पवित्र बुलाहट पाया हुआ, ये ऊंचा बुलाहट पाया हुआ लोग हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए करके हम लोग 6 बात देगा। आपको याद होगा मतलब एक एक मतलब पॉइंट सर बोलूंगा, शब्द नहीं बोलूंगा है। मतलब पहली बात, जैसा यीशु मसीह आज्ञा माना ऐसा हमें भी आज्ञा मानना चाहिए है ना। बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह ये दुनिया में जैसा पिता का आज्ञा मानते हुए जीवन बिताया, ऐसा ही प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हमारा कर्तव्य, हमें भी ऐसा आज्ञा मानना है। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज बहुत लोग ये विषय में शायद नहीं समझता होगा, इसलिए लोग धोखा कर रहे हैं। अपने जीवन में जानना पियो, हमें वो बातों को मानना है। आपको मालूम है मतलब
कई बार लोग इतना इस बात को भी इतना नहीं समझते। मैं आपको बोलता हूँ, अरे पवित्र लोग सच्चा विजय जीवन बिताना चाहता है वो लोग मानव प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश कम से कम हफ्ता में एक बार पढ़ना चाहिए। कोई यहूदियों के लिए नहीं लिखा, चेलों के लिए लिखा है, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसका अर्थ सही विधि में जानना है। वो उपदेश जो है वो चेलों के लिए है, मसीह चेलों के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका वो शुरुआत में ही लिखा है, चेलों के लिए लिखा हुआ वो। और उसका कंक्लूशन का शब्द 7:24-27 तक वजन है, ठीक है ना। इसलिए इन बातों को मानने वाला ना मानने वाला ये बहुत खास बात है। मैं आपको बोलता हूँ, एक सच्चा विजय जीवन, हम लोगों ने पूरा पगाड़ी उपदेश का पूरा वो क्लास कई बार दिया है, अब चाहे तो और एक बार लोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। और उसका 5 अध्याय का हमारा 2-3 1-2 वचन में क्या लिखा, किने देने लगा, चेलों को। तो फिर हम चेहरा है ना, तो हमारे लिए वो यही बात, ठीक है ना। और ये सब बात पूरा उपदेश देने के बाद में 5-6-7 अध्याय का बोलने के बाद में उसका 24-27
मानो उस विषय में इब्रानियों के पत्र से एक वचन पढ़ा था, आपको याद होगा 5 अध्याय का 8वां वचन, वहाँ पर क्लियर था, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखा मानो प्रियो, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना ही पड़ता है। आप दुख उठाने के लिए निर्णय नहीं है तो, कष्ट सहने के लिए निर्णय नहीं है तो प्रियो आप मानो प्रभु के पीछे चलने में आप फेल हो जाएगा। हमें कई प्रकार दुख उठाना है, कई विधि का दुख उठाना है ना, तो उसमें सब याब नहीं छोड़ना, याब नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन में कई प्रकार का अनगिनत विपत्ति आ सकता है, प्रतिकूल आ सकता है, कष्ट आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, मतलब अपने को दुख करने वाला, निराश करने वाला, हमें व्याकुलता में डालने वाला, टेंशन में डालने वाला, ऐसा बहुत बात आ सकता है। लेकिन उन सारे बातों को पार करके प्रभु का प्रेम में उन सारे बातों को सह करके धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना। अभी यीशु मसीह ने इतना सारा तकलीफ कुड़कुड़ाते हुए सहा नहीं, हार जो भी कष्ट सगा कुड़कुड़ाई नहीं, आनंद से सगा, आनंद से सहन भी है ना। कई लोग सहता है पर तो कुड़कुड़ाते हुए क्या हो गया, प्रतिबल नष्ट हो गया, सहने वाला बात सह लिया, प्रतिबल भी नष्ट किया, ऐसे नहीं होना। हमें आनंद से प्रभु आपके नाम के कारण मुझे इस प्रकार दुख सहने के लिए मौका मिला और सहने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह भी दिया, धन्यवाद। सहने का अनुग्रह कौन देता, प्रभु देता। हमारी सामर्थ्य में हम विजय पाता है क्या, कभी नहीं पाता, प्रभु देता, प्रभु देता है। प्रभु हमें सहने से बाहर परीक्षा नहीं दिया, और जो दिया है तो भी उसमें भी प्रभु ने थोड़ा तकते हुए देखा तो प्रभु ने पार कराया, प्रभु ने उसमें डूबने नहीं दिया। वो हमारा प्रभु का क्या हाल है प्रयोग, हमारा प्रभु ने बताया वो हरेक वचन माना सच्चे है। इसलिए प्रभु बोलता है कि यीशु मसीह जब ये दुनिया में रहने के टाइम पर पिता का हरेक बात माना, एक भी बात छोड़ दिया नहीं है ना, तब आखिरी शब्द ऐसे नहीं आएगा तटलष्टा है ना, पूरा हुआ, प्रभु ने कहा हुआ सारा शब्द पूरा हुआ, प्रभु के लिए जो भी बताया था सारे बात पूरा किया, एक भी बात छोड़कर नहीं गया है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे लिए भी कुछ बताया वो बातें, हम लोग बहुत छोड़ कर जाता है, नुकसान किसका है, हमारा है ना। इसलिए हमें ये बात को परखना है, मेरे लिए कहा हुआ कोई भी बात मैं देख करके डर करके छोड़ दिया, छोड़ दिया क्या, छोड़ना नहीं प्रियो, क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ कोई भी बात भारी नहीं पढ़ा होगा ना, 5:3 में लिखा है प्रभु की कोई भी आज्ञा है भारी नहीं, कठिन नहीं, बहुत आसानी है प्रियो, बहुत आसानी है। लेकिन मन शैतान क्या बोलेगा, वो कठिन है, तेरे से नहीं होगा, तू डूब जाएगा, तेरे को मतलब बहुत नष्ट आएगा, कष्ट आएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, लेकिन डरना नहीं प्रियो। इसलिए उसी प्रकार यहाँ पर वचन का 9 में क्या लिखा, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। किसके लिए, आज्ञा मानना, आज्ञा मानने वालों के लिए। देखा प्रियो, हम प्रभु की आज्ञा मानता है क्या, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में विश्वास किया फिर बस खत्म हो गया, बस ओके सब हो गया, ऐसा बोल करके आएगा तो धोखा मत करना प्रियो। हमारे लिए प्रभु ने कुछ कार्य दिया है, वो काम हमें करना है प्रियो। कई लोग उधार पाने के बाद में उनको लगता है अभी कुछ काम नहीं है, हम प्रभु में हैं, बस हो गया है, बाकी प्रभु ने जो भी एक कर दिया है बस, वो विश्वास, विश्वास तो करना ही है। तो विश्वास की यात्रा में हमें प्रभु ने कहा हुआ काम को करके जाना है। नोहा ने विश्वास किया, इसलिए प्रभु ने बोला वो बात नहीं किया, ऐसा क्या नहीं है ना, है बहुत कठिन बात है, सारा दुनिया विरोध करने वाला बात था, है ना, बहुत प्रतिकूल था, लोग सब निंदा करता था, तभी भी निंदा सहते हुए शायद नोहा का बच्चों को हम शाम यहाँ पे तो दोस्त लोग मिले कि नहीं, यार दुनिया में हमने बहुत पागल देखा, तेरा डैडी जैसा पागल कोई नहीं, ऐसा बोल करके बहुत निंदा किया होगा, क्योंकि होशियार लोग है ना प्रभु का काम को तोड़ने के लिए। क्योंकि ठीक है पहली बात, कोई बाढ़ आएगा क्या, ये समुद्र से कितना ऊपर है हमारा ये जमीन है, और दूसरा
कोई जहाज थोड़ा जिसका दिमाग रहता है, कम से कम वो समुद्र के किनारे में बना था, समुद्र छोड़ो एक नदी के पास, कम से कम थोड़ा कुछ मदद मिले उसको धक्का मार करके ले जाने के लिए। ऐसा भी नहीं, ऐसा जगह पर और बारिश, अरे चरित्र में ऐसा कभी सुना तुमने? ऊपर से बारिश आएगा पानी, देखा क्या क्या बुद्धिमान लोगों ने बोला होगा। जैसे आज भी प्रभु आएगा बादलों में, हम मुद्दा लिए जाएगा बोलेगा, तो आज का साइंटिस्ट लोग या नास्तिक लोग सब हमारा निंदा करेगा ही, पर तो हमें विश्वास है हमारे प्रभु आएगा और अपन जाएगा, हमें कोई संदेह नहीं, कोई भी कितना भी कुछ भी बोलने नहीं। बात क्या है कि उसके योग के जीवन बिताना चाहिए ना। आज हम प्रभु के आगमन की बात जोने वाले लोग हैं तो हमें प्रभु की बातों को मानने के लिए कितना उत्साह चाहिए, हम प्रभु में बना रहना चाहिए ना। प्रभु अपनों को लेने के लिए आ रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ प्रभु अपनों को लेने के लिए आ रहे हैं तो हमारा तैयारी कहाँ तक हुआ। आज भी कई बार आपको बधाई वो बात है, मतलब एक बार एक देश में एक उपवास प्रार्थना चल रहा है, बहुत बड़ा उपवास प्रार्थना है, और मतलब सब लोग बात क्या है, बारिश से बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है, सब लोग इकट्ठा है, सब एक बुट्टी एक छाता लेकर आए, सब लोग उसको देख रहे, अरे अब ये आप छाता लेकर क्यों आया? मैं प्रार्थना करने के लिए आया, इसलिए बारिश के लिए मैं प्रार्थना करेगा तो मेरा प्रभु बारिश भेजेगा, और मैं वापस जाने के ड्राइवर भीग करके नहीं जाना, मुझे छाता ना भीगने के लिए मैं छाता लेकर आया। देखा बाकी बड़ा भीड़ आया है, उनको विश्वास नहीं, उनका विश्वास नहीं, ऐसे नहीं है। विश्वास है तो उसके अनुसार काम दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए ना। अभी उसको विश्वास है इसलिए छाता लेकर आया। अब देखो आज बहुत लोग विश्वास बोलता है लेकिन वो विश्वास का काम नहीं है, विश्वास के अनुसार का कार्य नहीं, कार्य होना चाहिए, अभी कार्य होना चाहिए। अभी बहुत लोगों को प्रभु आएगा हम जाएगा लेकिन संगति भी नहीं आएगा, भजन नहीं सुनेगा, कैसे जाएगा? मैं आपको बोलता हूँ वो लोग भयंकर धोखा में, प्रभु की बात प्रभु की आज्ञा तोड़ करके अपने मनमानी में चल रहे हैं ना। प्रभु अवसर देता है, मौका देता है, वो खो देता है, प्रियो ये मनुष्य का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। प्रभु का वचन को पूरा दिल से मानना ये कितना बड़ी बात है। तो पहली बात हमने ये देखा था आज्ञा मानना, दूसरा हमने क्या देखा, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया ऐसा हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना। प्रियो कितने लोगों ने ये बात को पढ़ा, पढ़ने के बाद में अपने जीवन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए या कुछ बदलना चाहिए, ये बात कितना लोगों ने जाना। लोग आज वचन सुनता है, मैं आपको बोलता हूँ कोई भी अपने को धोखा देता है तो हमें वो व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा दुख होता है ना। अपन क्षमा करता है बात अलग है, लेकिन वो व्यक्ति ने धोखा दिया तो हम सह नहीं पाते। कई लोग ऐसे विषय में खुद विश्वासी लोग नहीं है, अविश्वासी है तो आत्महत्या कर देते हैं, धोखा दिया उसने मुझको धोखा दिया, अभी मुझे जीने से क्या ये है ऐसा बोल करके, परंतु मतलब ऐसे झूठा विश्वासी लोग है, विश्वास को त्याग दिया, उसने मारा धोखा दिया, ऐसा भी लोग है। परंतु पियो हमारे जीवन में हम लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, तो है क्योंकि याकूब 1:22 में क्या बोलता, देखिए इतनी बार धोखा दिया है। जो व्यक्ति ये वचन सुनने के बाद भी उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अगर तैयार नहीं होता, वो व्यक्ति क्या करता, अपने आप को धोखा देता। अरे हमको कोई धोखा दिया तो हमको फंसते नहीं भाई, फिर अपने आप को धोखा देने में आप फंसते क्या बड़ी बात है, है? हम अपने आप को धोखा दे रहा बोलेगा तो ये बात को समझता ही क्या है? अपने आप को धोखा देता, अपने प्रभु का वचन को उस रीति में मानने के लिए उत्साह ही नहीं। प्रयोग आज हमारा प्रेम को हमें परखना चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा था, जैसा प्रभु ने हर एक जगह पर जैसा बामर एक नमूना है ना, जैसा प्रभु ने हमारा पाप क्षमा किया ऐसे हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना। मतलब क्या है कि हमारे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं रखना, कोई भैरभाव नहीं रखना, हर एक को क्षमा दिया हुआ अवस्था होना चाहिए। इसका मतलब हम कोई भी व्यक्ति को मिलने के टाइम पर हमें उसको देख करके मुस्कुराने के लिए कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
हमारे जीवन में हमें दूसरे को क्षमा किया हुआ अनुभव, ये बात को भी हमें अपने जीवन में परखना है। मेरे जीवन में इस बातों में मैं विजयी हुआ है कि नहीं, है ना। चौथी बात क्या देखा था? हाँ, जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा हमें करना, बोलने का मतलब अपने आप को इतना नम्र और दीन करना। यीशु मसीह ने अपनी चेलों का पाप धोया, बोलेगा तो अपने आप को इतना छोटा किया। तो हमें रोज अपने आप को छोटा करना है। छोटा करने का विषय इतना, आज मतलब बच्चे लोग छोटा बनने के लिए माँ बाप के सामने वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। बात मानने वाला गुण नहीं है ना, हमारे में बात मानने वाला स्वभाव है क्या? जो छोटा है तो सब बात मानेगा, जो जिसको एक छोटा में छोटा है ऐसा है तो हर एक बात मानने के लिए तैयार रहेगा। और तो जो घमंड करेगा वो कभी भी बात नहीं मानेगा, है ना, वो विरोधी करेगा। तो इसलिए अपने आप को परखना है कि मैं अकेले यीशु मसीह के उस स्वभाव में आज मैं कहां तक पहुंच पाया। कोई डांटेगा तो भी ठीक है भाई, मैं डांट सुनने का लायक है क्योंकि मैं छोटा है। मुझे उसको ऐसा पूछने के लिए हिम्मत नहीं, मतलब उसका मतलब योग्यता नहीं, मैं उसके लिए मतलब काबिल नहीं, ऐसा बात को समझा, है ना। मतलब चले लोग निंदा सका निंदित हुआ, बोला प्रभु के लिए निंदित होने के लिए योग्य समझे, हमें ऐसा समझ रहे। हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल आता है तो धर्म मसीह के खातिर में इसके लिए तो योगी बना है, दूसरे का डांटने का पात्र बनने में मैं योगी बना है, दूसरे की सेवा करते हुए में भी निंदा पाने के लिए मैं योगी तो बना। ऐसे बातों को हमें याद करके प्रभु को महिमा करना, क्योंकि वो हमारे यीशु मसीह ने हमें दिया वो आदर्श है। यीशु मसीह के आदर्श को अपनाना, और राजू हमने क्या देखा, जैसा वो चला हमें चलना है। यो यीशु मसीह जैसा चला वो बात कितना गंभीर बात है ना। उस पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रभु हमें बुलाए, यदि हम उस प्रकार नहीं चलता है तो क्या फायदा। अपने जीवन में हमें परखना चाहिए मैं आज कैसा चलता हूँ। और छठवा बात हमने क्या देखा, जैसा वो विजयी हुआ ऐसा हमें भी विजयी पाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। आज हम लोग एक बिजी जीवन बिता पा रहे हैं, हमारे दिल क्या गवाही देता है, मैं आज एक बिजी जीवन बिताने में मैं कहां तक मानव उसमें सक्सेस हो पाए, हर एक बातों को जानना बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग मतलब आनंद के साथ प्रभु को वसन में नहीं आ पाता है ना, फूलों के दिल में आभार नहीं है। योग आप कहीं ना कहीं ठोकर खा रहा है, आपको कहीं ना कहीं सीधा धोखा दे रहा है, इसलिए मानव आप एक विजय जीवन नहीं बिता पाता। क्योंकि विजय जीवन बिताने का प्रभु ले चलता है तो कैसे ले चलता, विजय के साथ जय के साथ। जब आपको सबको याद है जब दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ, जो मसीह में सदा सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है। देखा, जय के उत्सव में ले फिरता है, कौन ले फिरता है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। प्रियो, वो एक के उत्सव के साथ हमें ले चलता है। तो आज के दिन भी प्रभु हमें सुबेरे से लेकर के उस एक के उत्सव में मुझको ले चलता है कि नहीं, ये बात को परखना है। आपको मालूम है कभी भी प्रभु की उपस्थिति में जाने के टाइम पर कोई ना कोई टेंशन ला करके आपके अंदर बोझ ला करके आपका आनंद को लूटने के लिए शैतान हमेशा प्रयास में है। ये लोग खुशी से उपस्थिति में नहीं जाना, खुशी से बैठ करके वजन नहीं सुनना, और जो वजन आएगा तो भी उसको ध्यान नहीं देना, उसका लाभ नहीं उठाना, ऐसा विरोधी का बहुत बड़ा निर्णय। आप जो निर्णय लेगा उसके खिलाफ में शैतान भी निर्णय लेता है। हमारी पहले गिर दावों को समझ करके हमें को धोखा देने के लिए कोशिश में, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमको सातवा रीति में क्या देखना है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें प्रभु ने जो बुलाया कहां से काम के लिए बुलाया वो जानना, कहां से काम के लिए बुलाया। अभी देखो ये जो बात को शैली में जानेगा तो हम प्रभु से कभी भी दुखी नाराज नहीं हो सकता। हमें कहां से काम के लिए बुलाया है ना, तो इसमें थोड़ा मतलब एक दो तीन चार ऐसा 5-7 विषय है, तो इसलिए मैंने कुछ दिन नहीं बोला, क्योंकि क्या है कि पूरा बजाने में सातवा बात प्रभु ने जो बुलाया हमें जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, सातवा बात हमें कहां से काम के लिए बुलाया वो जान करके कार्य करना चाहिए।
है ना, हमें कहां से खान के लिए बुलाया वो जान करके कार्य करना चाहिए। अभी बहुत बार इन बातों में ना समझने के कारण लोग उसका योग्य काम नहीं करता, लेकिन हमें उसका योग्य काम करना। मैं ज्यादा बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको समझने के लिए कभी कभी किसी के लिए ज्यादा व्याख्या करना पड़ेगा तो बोलेगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा। नंबर वन बात, प्रभु ने जो बुलाया हमें परिश्रम से विश्राम की ओर बुलाया। देखा, हमें कहां के लिए बुलाया, और हम तो परिश्रम करते करते थक जा रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु विश्राम के लिए बुला रहे। बाप रे, ये कितना अच्छा बनाट है। अभी आप देखिए, प्रभु हमें और भी ज्यादा थकाने वाला काम नहीं दे रहे। अरे टोटली मैं तो काम करते करते थक गया था, अभी और भी मेरे ऊपर 10 किलो और रख दिया, वजन और भी रख दिया, ऐसे ही क्या नहीं। प्रभु हमें उस हमारा थकावट देख करके, हमारा परेशानी देख करके, हमारा मेहनत देख करके प्रभु बोलता है कि तू मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, है ना। अब मालूम हो गया वजन कौन सा है, मत्ती 11 अध्याय उसका 28, 29, 30। देखा, प्रभु किसके लिए बुला रहा है, विश्राम देने के लिए बुला रहा है, फिर भी नहीं आता। देखिए लोग इतना थकते जा रहा है, परिश्रम करते करते थक जा रहा है, उनका परिश्रम का सच्चा फल उनको नहीं मिल रहा है, तो प्रभु बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। सच में कितने लोगों ने विश्राम पाया, जो भी उद्धार पाया वो विश्राम में प्रवेश किया, है ना। एक बहुत बड़ा बात है हमारे जीवन में, आज प्रभु में आने के बाद में कितना बड़ा विश्राम हमने पाया है। अभी आपको मृत्यु के बारे में कोई चिंता है क्या, अभी नहीं, हमको ये लगता है कि कब प्रभु आएगा और जाएगा है। इस पाव वाला दुनिया में और भी 10 साल लेने के लिए कितने लोग की इच्छा है, कई लोगों की इच्छा होगा क्योंकि बहुत लंबा प्लान बनाया होगा ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति को हमेशा एक ही उमंग रहता है ना। मतलब आपको मालूम है प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस बार बार खाने वाले एक शब्द है ना, फिलिपियों 5 अध्याय का 23 वचन, जी तो देखा, जी चाहता है, ये बंडलबाजी नहीं, दिल से एक बात का चाहते है, मैं कब प्रभु के पास पहुंचू, मैं कब प्रभु के पास पहुंचू, क्या तड़पे प्रियो, वो तड़पे क्या उस प्रभु के पास, योगी है ना, प्रभु में रहते रहते। अभी आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग कितना सुंदर है, हम गीत गाता है, स्वर्ग कितना सुंदर जगह है, यीशु रहता बाप, स्वर्ग को स्वर्ग बनाया यीशु मसीह की उपस्थिति है ना। तो स्वर्ग आज कहां पर है, हमारे संबंध में, हमारी आत्मा में। देखो जो प्रभु की संगति में रहता है वो स्वर्ग में ही रहता है, वो जरूर। अभी फिलहाल हम शरीर में है, मतलब दुनिया में है, दुनिया का ईश्वर शैतान हमारे विरोधी है, ये शरीर हमारे विरोधी है, लेकिन जब हम आत्मा की ओर मन लगाता है स्वर्गीय आनंद से भर जाता है ना। और वो स्वर्गीय आनंद अनुभव करने वाले व्यक्ति को बाप रे, मैं उस स्वर्ग में पहुंच जाएगा तो क्या हालत रहेगा, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में पहुंचने के टाइम पर हम ये शरीर के साथ नहीं जाएगा और ये दुनिया की अवस्था नहीं रहेगा, वो तो सारे बात एकदम अलग अवस्था है। तो जिसको थोड़ा स्वाद चखा है उसका दिल तड़पता है, उसका दिल तड़पता है। इसलिए अभी भी ऐसा व्यक्ति, ये जो कोई इस प्रात का सच्चा दर्शन पाया व्यक्ति के लिए दुनिया का कोई भी प्रतिकूल को देख के डरेगा नहीं, क्योंकि शायद यही बात होगा जल्दी पहुंचने का मार्ग, प्रभु मुझे जल्दी पहुंचाना प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु का उद्देश्य ऐसे नहीं कि ज्यादा दिन नहीं हो, प्रभु भी चाहता है ये मेरे लिए तैयार है तो मेरे पास ही आओ। प्रभु का भी दिल में ऐसे तड़प है, जो प्रभु के साथ रहने के लिए चाहता है उसके साथ मैं भी रहूं, और वो गहरा अनुभव में पहुंच जाऊं, भैया बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब क्या है कि आज भी अगर हमारे थका हुआ अनुभव है तो प्रभु उनको बुलाता है विश्राम की ओर। प्रियो आज मैं प्रभु में विश्राम पाता हूं करके कितने लोग गवाही देगा, आज मैं देखो पौलुस बोलता ना, मैं हर अवस्था में तृप्त रहना चाहता,
ये दुनिया में संत सबसे, ये दुनिया का सबसे बड़ा धनवान कौन है? है? हाँ, मानो जो तृप्त है। आज दुनिया के लोग तृप्त नहीं, अंबानी को पूछो और धनते नहीं, वो बोलते और भी आ रही हो क्या रही हो देखा। अरे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान अंबानी नहीं, जो गरीब सूखा रोटी खाकर तृप्त है वो अंबानी से भी धनवान है, उसको बोलते धनवान। ये दुनिया का धन कितना आपके पास है वो उसको नहीं धनवान बोलता। ऐसे तो लेवादी का लोग धनवान था, तुमने उनको क्या बोला? तू कंगाल है, तू कंगाल है देखा। परंतु जो दुनिया के ऋणी में कंगाल है परंतु प्रभु में संतुष्ट है तृप्त है, उनको प्रभु बोला तू धनवान है, तू वास्तव में ओरिजिनल धनवान। देखो अभी प्रभु जिसको धनवान बोलेगा उसको हमें भी मानना है। आज कौन धनवान है? हम लोग धनवान है, पैदल चलता होगा लेकिन धनवान है। हमारे पास गाड़ी भी नहीं, साइकिल भी नहीं, लेकिन प्रभु बोलते है तू धनवान है। स्वर्ग जो गवाही देता है उसमें महत्व है, उस प्रभु में सच्चा शांति पाया वो लोग, प्रभु में छुटकारा पाया वो लोग। ये सब है ना अनुभव से मालूम करना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता है कि वो जो धनवान और लासर, वो लासर ने कभी भी प्रभु आपने ये धनवान व्यक्ति को कितना अच्छा महल दिया, कितना अच्छा वस्त्र दिया, कितना अच्छा खाना दिया, मेरे को प्रभु देखो मैं कितना कंगाल है, मेरे को रहने के लिए घर नहीं, मैं कितना बीमार है, मेरा सेवकाई के लिए कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, मैं मेरे को खाने के लिए भोजन नहीं, कभी कुड़कुड़ाया उसने नहीं है ना। वो संतुष्ट था, उसके सेवा के लिए स्वर्गदूत था, मर गया तुरंत स्वर्गदूत ने लेकर गया। देखा प्रियो है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में जो लिखा है प्रियो उसका बहुत गौरव समझो। एक्चुअली वो धनवान धनिक था या वो दरिद्र धनिक था? वो दरिद्र धनिक था। आप ये दुनिया का क्षण भर का जिसके पास थोड़ा कुछ है ऐसे लोगों को मत समझो कुछ नहीं। आपने देखा ना मतलब जब यूक्रेन में भी लोग भूखा था, इवन मतलब जब लड़ाई के मैदान में लोग मतलब खाने लेकर के आता है तो बड़े बड़े करोड़पति लोग भी हाथ बढ़ाते हैं, हमको भी एक पैकेट दे दो, भीख मांगना था ना। देखा खा गया सब एक क्षण में गया। देखो हम लोग कितना सबक सिखाया प्रभु ने, फिर भी हम लोग ये दुनिया की बातों पर घमंड करना बोलेगा तो क्या एक एक ना समझदारी की बात है। ऐसा नहीं, हमें प्रभु ने ओरिजिनल धनवान बनाया था। हमें किन किन बातों में धनवान बनना चाहिए हम लोगों को जिस बारे में देखा था आपको याद है। लेकिन प्रियो हम लोग प्रभु का दृष्टि में आज धनवान है क्या? हर एक परिस्थिति में प्रभु में आनंदित और मगन रह पाता है क्या? ये बात को अभी आप देखो, अभी मैं सोचता है ना पुराना नियम का हबक्कूक है, हबक्कूक हमारे जैसा इतना रास नहीं मिला है, मतलब उनको हमारे जैसा यीशु मसीह आज हमारे साथ रहता है ऐसा अनुभव नहीं मिला। कभी भी उसने क्या बोला, वो एक भक्त है ना, वो एक बात बोलता है, उसका प्रभु में जो भरोसा का कारण आपको सबको याद है अब तीसरा अध्याय का 17-18 बजे। देखो उनके पास खेती बहुत है और तू फसल नहीं है, गाय भैंस बहुत है और तू अभी सब खत्म हो गया, चोर लेकर गया नहीं तो मर गया, बीमारी आ गया चिकनगुनिया जैसा बीमारी आ गया उसमें सब गया नहीं लगा, दाग लगा बहुत है लेकिन क्या करूं, तो उसी टाइम पर बारिश आया पूरा खत्म कर दिया है, बर्फ का बारिश था। धोखा पाया जाए और खेतों में अन्य न उपजे, भेड़शाला और क्या चाहिए अभी आप मुझे बताओ। उस समय का एक वक्त पुराने नियम का एक वक्त प्रभु में मगन रह सकता है, तो आज
जो उधार पाया और प्रभु का वचन पाया, वो लोग आनंद और मगन देने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। पर तो आज भी कितने लोग हैं छोटी छोटी बातों में निराश हो जाता, दुखी हो जाता। प्रियो, यीशु मसीह के पास आया हुआ हरेक लोगों को जो दुनिया नहीं दे सकता ऐसा शांति मिला ना, है ना? प्रभु के पास आने के बाद में शांति मिलाएगी नहीं? पक्का मिला है, अवर्णनीय शांति। चलो, हमको प्रतिकूल है, समस्या है, पर जो हमें प्रभु ने दिया हुआ शांति हमारे अंदर है, तो कितना बड़ी बात है। इसके प्रभु बोलता है कि परिश्रम करने वालों को विश्राम के लिए प्रभु ने बुलाया। आज मैं ओरिजिनल विश्राम मैंने पाया है, है ना? मतलब पिता ने मुझे मसीह में रखा है, मसीह में रखा है तो मुझ में वो विश्राम का वो अनुभव चाहिए। आज मैं उस अनुभव में एक नहीं, ये बात को परखना चाहिए। जब इब्रानियों 4 अध्याय का 1, 2, 3 वचन पढ़ना, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डर, अभी भी जो उधार नहीं पाया उनके लिए भी अभी तक है, आप भी उधार पा लो। आपको विश्राम में प्रवेश करने में अभी भी मौका प्रभु ने दिया हुआ है, अभी तक उद्धार का द्वार प्रभु ने बंद नहीं किया। आगे तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और आगे, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जो भी विश्वास किया वो प्रवेश किया। देखो अभी अपने अनुभव को देखो प्रियो, आज वो विश्राम में प्राप्त करता है कि नहीं, उस अनुभव में भी जीवन मिलाता है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है, है ना? आज भी इतना अच्छा संधि, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु के उपस्थिति में मिलने वाला ये जो संगति जो रहता है प्रियो, संगति के प्रति एक वक्त बहुत माना दर्शन पाकर देना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उदास निराश करके ठोकर खिला करके प्रभु से दूर संगति से दूर करने के लिए चेतन कोशिश करता है, और बहुत लोग उसका गौरव ना समझने के कारण वो लोग धोखा खाते हैं, है ना? उनको इसमें लोग जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु के इतना मदद मिलने के बावजूद भी अभी आप देखो ना अपने ये देश में कितना अनुकूल परिस्थिति है, बहुत देशों में बहुत रुकावट है, बहुत हमारा मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने अभी भी हमको इतना भाव भरा दुनिया में नासिक में कितना अनुकूल परिदृश्य बना कर दिया। मैं आपको बोलता हूँ हम लोग कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। तो पहली बात, हमें इस विश्राम के लिए प्रभु ने बुलाया, और दूसरी बात कहाँ के लिए बुलाया मालूम है? मृत्यु से जीवन की ओर बुलाया। देखा हम लोग कौन सा दिशा में था? मृत्यु की दिशा में था, मृत्यु की दिशा से हमें जीवन पाने के लिए या उस जीवन को अनंत काल का जीवन को प्राप्त करने के लिए बुलाया। आप बताओ एक कितना बड़ा बुलाहट है, हमको मिला हुआ बुलाहट का महत्व जानना पड़ेगा। आज मैंने वो जीवन पाया है कि नहीं है? मुझे प्रभु जीवन देने के लिए बुलाया। अभी आपको मालूम है यहूदी लोग मतलब जरूर प्रभु का वचन को पढ़ने वाले लोग था, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के पास आता था इसलिए आता था मालूम है यीशु मसीह में कुछ ना कुछ दोष ढूंढने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ कमी पाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्या बोला जब यौहन्ना उसका 5 अध्याय का 39-40, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। देखा, पास खड़ा हुआ लोगों को बोल रहे किसको बोल रहा है? पास खड़ा है, बोले का अर्थ क्या है? उनका दिल में प्रभु का प्रति जगह नहीं, प्रभु से वो बहुत दूर है। आप देखो प्रियो अपने जीवन में आज भी ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, वो प्रभु के निकट नहीं आता, दिल से नहीं आता, वो जीवन को प्राप्त नहीं करता है। आज बहुत लोग बोलता है मैंने प्रभु में विश्वास किया, जीवन पाया, मतलब जीवन पाया है कि नहीं क्या कैसे मालूम है?
एक व्यक्ति ने अनंत जीवन, अभी वो मतलब बपतिस्मा भी लिया है, प्रभुवेश में भी लेता है, लेकिन वो जीवन पाया है कि नहीं उसका सबूत क्या मालूम है? उसका तीसरा अध्याय का 14 वचन, पहला योगना उसका तीसरा अध्याय का 14 वचन। हम जानते हैं हम जानते हैं, कौन लोग जानता है, कौन जानता? अभी आगे पढ़ो, क्योंकि क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। समझ में आया? समझ में आया प्रियो? अगर जो सच्चा प्रेम नहीं करता है तो वो अभी भी मृत्यु का दिशा में रहता। देखो कितना अद्भुत बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु जैसा प्रेम किया वैसे हमें एक दूसरे को प्रेम करना है, और वो प्रेम नहीं करता तो वचन कहता है अभी भी वो मृत्यु की दिशा में रहता है। इसका मतलब प्रभु ने हमें जीवन पाने के लिए बुलाया और यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह आने के बाद में यीशु मसीह हमारे लिए जीवन देने के लिए तैयार है, अभी भी हमने जीवन पाया कि नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों को सबको आनंद जीवन देना चाहिए करके पिता का भी इच्छा है। आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 39-40 और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न रखूं परंतु उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। देखो मेरा भेजने वाला पिता उन सबको अनंत जीवन देने के लिए भेजा। इतना बड़ी बात है, एक को भी मैं खोने नहीं दूंगा। इसका मतलब सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए आपको बताया कि पिता का अनुग्रह बिना कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता। सबको समझा सुनाना हमारा काम है, लेकिन कोई प्रभु के पास नहीं आया बोल करके हमें निराश नहीं होना है। अभी ईसाई के घर में प्रभु ने शमूएल को भेजा, मैंने ईसाई के पुत्रों में एक राजा देखा, मोर वहां मर गया, पहला बेटा अभिनादाब को खड़ा कर दिया। शमूएल ने सोचा चलो मेरे को प्रभु ने भेजा है, तकरीबन हर एक घर में पहला बेटा को ही मौका मिलता है क्योंकि पहला बेटा ही मानव उस घर का याचक रहता है और पहला बेटे को ही मानव मौका है, ऐसा सोच करके देखिए प्रभु बोलता है बैठो 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 उठो मत है। देखा प्रभु बोलते हैं मैं उसको चुना नहीं। प्रियो अभी इधर भी आया हुआ हमारे एक लोगों का प्रभु क्या देखता है? हमारे दिल का भूख प्यास, हमारे दिल का भूख प्यास। आज भी प्रभु मेरे से व्यक्तिगत रीति में क्या बोलेगा? प्रियो एक बात है, आपका जितना भूख है आप उतना ही बढ़ सकता है। आपका भूख मिट गया आपका बढ़ना भी खत्म हो गया। फिर कई लोग एक पट्टी के रूप में आता है जाता है, वो उनका बढ़ोतरी नहीं होता। सच्ची बात है, हमें प्रभु के प्रति हमें कुछ भी अभी नहीं हुआ, अभी भी मैं एकदम मतलब जीरो में है, मुझे आगे बढ़ना है, ये भूख प्यास हमेशा चाहिए। प्रभु दास पौलुस बोलता है मैं ये नहीं सोचता कि मैं पा चुका हूँ, देखा क्या शब्द है भैया है, मुझे और भी पाना है, मुझे पाना है, मुझे बढ़ना है, मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, इतना बड़ा भूख प्यास है ना। तो अपने जीवन में हमें उस अनंत जीवन प्राप्त करके जीवन बिताना, क्योंकि आज वो अनंत जीवन मुझ में है करके अभी यकीन करके चलना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु ने प्रभु के दास योगन्ना पत्र लिखने के टाइम पर भी पहला योगन्ना उसका 5 अध्याय का 11 से 13 तक का वचन में एक उड़ा करके खास एक बात कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखा अभी हमें मिलेगा ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने भी प्रभु यीशु के पास आया प्रभु ने उनको सबको आनंद जीवन दिया। हाँ आनंद जीवन दिया। हाँ ठीक है, मैं तुम इधर में तेरा मतलब परीक्षा करता है बाद में देता है ऐसा है क्या? नहीं है।
जो भी यीशु मसीह के पास आता है उनको सबको प्रभुआनंद जीवन देता है। बोले करते हैं जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया उनको सबको प्रभु ने आनंद जीवन दिया, प्रभु ने भी अपने दिल में उनको जगह दी, वो आनंद जीवन पाया। आगे और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, तुम्हें ये जानकारी के लिए है ना, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, वो जीवन तुम्हारा है। वो कितना बड़ी बात है प्रियो है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आयु बढ़ाने के लिए लोग कितना खर्च करने के लिए है, मतलब सारा संपत्ति देने के लिए तैयार है। प्रियो, यदि अनंत जीवन मुफ्त में मिला है, कितना खुशी होना चाहिए। आज हमें प्रभु के लिए जीने के लिए कितना आनंद होना चाहिए। प्रथम जीता ही है प्रभु का जीवन, अंबर राज करे। क्या करना? प्रभु का जीवन अंबर राज करे। बहुत बड़ा एक प्रयोग है रोमियो के पत्री में है, 5 अध्याय में। आपको मालूम है प्रियो, हमारे में मृत्यु अभी राज नहीं करना, प्रभु का जीवन अंबर राज करे है। उस जीवन में जीते हुए प्रभु का महिमा करना, प्रभु का जीवन अंबर राज करना। मिला आपको? जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। उस अनंत जीवन राज करे। बहुत बड़ी बात है। आज वो जीवन हमारे में राज करता है क्या? और एक प्रकार सरल रूप में बोलेगा तो उस जीवन में जीना सीखना है। प्रभु में विश्वास क्या लोग यीशु मसीह को अपना जीवन मान करके उस जीवन में जीना सीखना। ऐसे लोग है प्रभु के आगमन में जाने वाले लोग है। आज बहुत लोग बोलता है कि मैंने मतलब प्रभु को पाया तो जीवन पाया है तो फिर हमें जीना चाहिए ना। कौन से जीवन से जीना चाहिए? हाँ, मसीह के जीवन से। पड़ोसियों का पत्री में उसका 3 अध्याय है, उसका 3-4 वचन। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा कितना अनमोल बात है। मतलब अभी हमारे जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सत्य मार्ग और जीवन में ही। प्रियो, हमने ओरिजिनल जीवन पाया है। आज उस प्रभु का वो जीवन में हम जीता है, ये बात को हमें यकीन करना। इसलिए हम मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में आज जीवन बिताता हूँ, ये बात का अनुभव हमको चाहिए। अगर प्रभु का लोग हम एक दूसरे से झगड़ा करके नफरत करके क्षमा ना लेते हुए जीवन बिताएगा तो प्रियो को व्यक्ति में आनंद जीवन नहीं रहता। कितना सरल बात है। अरे ये वजन हमें प्रभु नहीं दिया होता तो हम लोग धोखा खा सकता था, लेकिन ये वजन पाने के बाद में हमें ये वजन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना कितना जरूरी बात है। कितना जरूरी बात है। इसका मतलब अभी प्रभु ने हमें उस अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। कितने लोगों ने पाया? कितने लोग नहीं पाया? नहीं बोले उनको बोलना अच्छा नहीं। पानी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। प्रभु को जो मांगते है क्या? नहीं है ना। मांगता है क्या? मांगता दिल मांगता दिल देने के लिए तैयार नहीं। हम प्रभु को दिल देने के लिए तैयार नहीं, कैसे होगा प्रियो? यदि हम प्रभु को दिल देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कैसे प्रभु वो काम करेगा अपने जीवन के लिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हमें प्रभु को अपना दिल देना है ना। इसी वचन में उसका 26 वचन में मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। एक्चुअली वो ऐसे आना चाहिए
ए मेरे पुत्र तो अपना दिल मुझको दे, ऐसा आना चाहिए। तो परिभाषा में थोड़ा फर्क है, तो मतलब तू अपना दिल मुझको दे, मराठी में कैसा? माझा मुला तू आपले चित्त मला दे। हाँ देखा, मला दे देखा है, ये बात है। हमें प्रभु को अपना दिल देना है, प्रभु को दिल देना। फिर आज मैंने मेरा दिल प्रभु को दिया है कि नहीं, प्रभु को मेरा हृदय दिया है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय की राजा बनकर मुझ में है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना है, हमें जानना है ना। अरे पवित्र लोग ये सच्चाई को जानना चाहिए। अभी मैं इस जीवन में अनंत जीवन पा करके जी रहा है तो कितना धन्य जीवन है। यीशु मसीह मुझको मिल गया है तो अनंत जीवन मिल गया, बहुत बड़ा बात है यीशु मसीह की है ना। तीसरी बात, अभी एक्चुअली इतना टाइम तो नहीं है एक्चुअली बोलने के लिए, तीसरी बात हमें गुलामी से आजादी में बुलाया। कहां से? हमें गुलामी से आजादी में बुलाया। प्रियो ये भी गुलामी में रहना कोई चाहता है क्या? नहीं नहीं प्रियो, जब एक प्रकार जब ब्रिटिश यहाँ पर राज करता था, इंडिया के लोग स्वतंत्रता के लिए कितना भयंकर मतलब स्ट्राइक किया है ना, बहुत बड़ा संघर्ष उड़ाया। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार भी गुलामी में रहना नहीं चाहता है, आजाद होना चाहता है। आजादी बहुत बड़ी बात है, तो प्रभु में आजादी के लिए बुला रहा है, प्रभु में आजादी पाने के लिए। जब गलाती हूँ पांच अध्याय उसका पहला वचन में, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है अथवा इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में स्थिर न झुको। हाँ प्रियो, जो लोग प्रभु में विश्वास किया तो प्रभु ने उनको गुलामी से मुक्त किया। हम सब लोग है ना, आपको सबको मालूम है जब योहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन में यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, यहूदी लोग क्या बोलता है, हम कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। तब यीशु मसीह उसको बताता है, ठीक है अभी वो बात भी गलत बात है उनका है, लेकिन प्रभु बोलता है ठीक है तुम दुनिया में किसी का गुलाम नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ तू गुलाम है। किसका? पाप का गुलाम। देखा, पाप का गुलाम, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। प्रियो, इस पाप के गुलामी से हमें आजादी देने वाला एकमात्र व्यक्ति, उसका 36 वचन में प्रभु ने कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखा, अभी हमारे जीवन में ये बात को हमें जानना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो स्वतंत्रता उस आजादी मिला है। बोले कहते मुझे पाप क्षमा मिला है, मैंने प्रभु के सामने मेरे पाप कबूल करके प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था, ये जान करके जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, प्रभु ने उनका उद्धार किया, उनको पाप की गुलामी से छुटकारा मिला, उन्हें सच्चा आजादी मिला, वो वास्तव में स्वतंत्र है ना। कितना बड़ा बात है, मैं ये विश्वास करता हूँ जिसको भी ये अनुभव है, पाप क्षमा का अनुभव से बढ़कर के आनंद का बात कुछ भी नहीं। इस जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद है ना, उद्धार का आनंद कभी भी नष्ट नहीं करना, उद्धार के आनंद कभी भी नष्ट नहीं करना। कई बार लोग बोलता है उधार पाया वो लोग कुछ गलती करेगा तो उधार नष्ट हो जाएगा, उधार नष्ट होता है या नहीं? नहीं, उधार का आनंद नष्ट होता, उधार का आनंद नष्ट होता, उधार कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है ना। प्रभु ने दिया हुआ अनंत जीवन नष्ट होगा? कभी नहीं है ना, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमको प्रभु ने अनंत जीवन दिया, इसका मतलब मनमानी में जो ऐसा है क्या? नहीं, मनमानी में एक प्रभु का जन कैसे जिएगा? नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। ऐसा वो जी रहा है तो जैसे अभी कई लोग बोलते ना, दो स्वामी का सेवा कर सकता है? प्रभु बोलता है कि नहीं कर सकता, प्रभु बोलता है नहीं कर सकता, और कोई लोग बोलता है कर सकता है, इसका मतलब वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। ये बात साफ है, ये बात साफ है, अपने जीवन में परखना है। प्रभु जो बोलता है वो वचन सत्य है। अभी प्रभु ने हमें आजाद किया,
उस आजादी में बना रहना। अगर वो आजादी में बना नहीं रहेगा, अब कई रीति में गुलाम बन सकता है ना। जब दूसरा पत्रोस दूसरा थे 19 वजन में पत्रोस एक शक्ति चेहरा भी उसके आखिर में गाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है, है ना। इसका मतलब क्या है कि कई प्रकार कई लोग कई बातों में वापस गुलाम बनने की खतरा रहता है। हमारे जीवन में ऐसा होने वाला गुलामी से बचकर रहना, ये प्रभु का हमारे लिए दिया हुआ चेतावनी है। हमको ये जानना भी, हम लोग एक सच्चा विजयी जीवन बिताना, उदार के अनुभव में जीवन बिताना, उदार के आनंद में बना रहना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें मालूम नहीं मानव अब किसका बुराट है। भियों जीते जीते मृत्यु कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें उस मृत्यु को भी सामना करने की तैयारी होना चाहिए, है ना। आज भी क्या मालूम कितने लोग वापस घर पहुंचेगा, कुछ भरोसा है क्या? नहीं नहीं, कभी भी प्रभु आएगा, कभी भी किसी का मृत्यु हो सकता है ना। मैं हमारा जानता हूँ, एक व्यक्ति हमारा पहले अपने मंडली में था, काफी दिन पहले की बात है, बाजार में वो नासिक रोड में वो हॉस्पिटल के पास में मानो सब्जी ले रहा था, सब्जी लेते लेते चला गया। देखो सब्जी ला करके बना करके खाने का भी मौका नहीं मिला, बहुत इच्छा से गया लेकिन नहीं हुआ, देखा नहीं हो गया। प्रभु बोला टाइम कदम, देखा कौन सा कहां पर टाइम कदम होता है, क्या मन मैं सोचता हूँ मैं संदेश देते देते बुलावा आना चाहिए फोन रूटी में, कितना अच्छी बात है। कितना खुशी की बात है, ये संदेश पूरा करेगा करके भी मुझे मालूम नहीं, प्रभु का टाइम आ गया तो बोलेगा आ बैठे मेरा टाइम कदम, इतना बोलना था बोल लिया बहुत हो गया बोले सर। लेकिन उसके बारे में टेंशन लेते हैं, टेंशन लेना चाहिए, आपको मालूम है ना कहाँ जा रहा है, इतना सुंदर जगह में हमने अब से आशा किया हुआ अपना बंदरगाह में पहुंच जाएगा, इससे बड़ा क्या है ना। इसलिए हमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो गुलाम बन जाता है ना उसका पूरा आशा टूट जाता, उसको पूरा आशा नहीं रहता, और जो सच में प्रभु के संबंध में है उनमें आशा रहता है, उनको वो कभी निराश नहीं होता। इसलिए हमें ये बात को परखना है कि आज भी मुझको उस मतलब आजाद में आजाद किया गया और तो मैं अभी भी आजाद है क्या, मैं अभी भी आजाद है क्या, उस आजादी के अनुभव में मैं मारे प्रभु को महिमा कर पा रहे क्या, या किसी प्रकार में वापस गुलाम बन गया, उस आजादी के अनुभव से मैं गिर गया, अनुग्रह से उधार हुआ, और जो अनुग्रह व्यक्त किया तो भी वापस गुलाम ही आ सकता है ना। जब गिराती हो 5 अध्याय का 4 वजन में गिराती हो, देखा अनुग्रह से गिर गया, अनुग्रह से गिर गया तो फिर वो विधि में क्या आशा रहेगा, वापस वो गुलाम बन जाता, क्योंकि वो अपने आप को व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने के लिए वो वापस मुड़ गया। देखा इतना दुखदायी बात है, ऐसा धोखा किसी के जीवन में ना होने दे, तो एक सच्चा आजादी में बना रहना। चौथी बात क्या है ना, बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। प्रभु ने मतलब ये बुराट किसके लिए है, अंधकार में रहने वाला हमें अद्भुत ज्योति में रहने के लिए, सादा ज्योति भी नहीं। आपको सबको मालूम है पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 9 वचन, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कितना श्रेष्ठ बात है, हम लोग कहां पर था, अंधकार में, देखा हम अंधकार में था, एक प्रकार बोलेगा तो हम अंधकार ही था, है ना। जब एफेसियों के पत्र में ऐसे पढ़ता है एफेसियों 5 अध्याय का 8-9 वचन, देखा तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, देखा अभी प्रभु में ज्योति हो, है बहुत अद्भुत बात है। हमारे जीवन में मतलब हमें प्रभु ने उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया,
हैं, ये हमको अभी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, उस गुण को प्रकट करके जीना, उस गुण को प्रकट करके जीना। और उसको जब बुलाया और उसको नियुक्त करने के टाइम पर प्रभु उनको खाने वाले एक बात वेदों का 26 अध्याय का 18-19 वचन में वो कहता है, उनकी आंखें खोले, अंधकार से ज्योति की ओर। देखो वे लोग अभी अंधकार में है, वो लोग ज्योति की ओर आना है, बहुत बड़ी बात है। आज में कहां मरे, आज में ज्योति में है कि नहीं है, ज्योति में होना उसे बढ़कर के ज्योति बनकर जीना। आज हमारे बारे में प्रभु चाहने वाला वो ज्योति बनकर के भी जी पा रहा है कि नहीं, आपको मालूम है जब यौहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं जगत का ज्योति हूँ और मेरे पीछे बोलेगा, पढ़ लो ना, पढ़ लो, पढ़ लो, देखा जीवन का ज्योति पाएगा, जीवन का ज्योति पाएगा, बहुत बड़ी बात है। बोले कि मतलब वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता है ना, जीवन का ज्योति है, वो बुझ नहीं सकता, दुनिया का कोई भी हवा उसको नहीं बुझा सकता। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी चेलों को क्लियर बताया ना, मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन में, तुम जगत का ज्योति है। प्रियो हमें प्रभु ने जगत में ज्योति बनाकर रखा, हमारे जीवन को देखने वाला जरूर उस ज्योति पाना चाहिए, वो लोग अंधकार से ज्योति में आना चाहिए। ऐसा कोई आया क्या? आप देखो है, अपने साथ कार्य करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कारण, हमारे जीवन में वो ज्योति दिखने के कारण, मुझको भी ये ज्योति चाहिए, मुझे भी वही ज्योति में चलना है, ऐसे कोई गवाही दिया क्या है? बहुत बड़ी बात है। जब मेरा उद्धार हुआ मैं आपको कई बार गवाही दिया, मैं सबको मालूम हो गया, तो सबसे पहले मेरा हमेशा कुछ थोड़ा मतलब झगड़ा होता था, वो भाई भाग रहा है, बोला मुझे भी चाहिए, मुझे भी है, मेरा भी जीवन मतलब प्रभु को देने के लिए मैं तैयार है, दिया, जीवन बदल गया। इसके बाद में कई लोग प्रभु को जीवन दिया। क्यों प्रियो? अपने जीवन में आने वाला बदलाव है वो लोगों को चैलेंज करना चाहिए, उनको प्रेरणा बनना चाहिए। जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी देवराली में भी मैं आपको कई बार बताया, मेरे ऑफिस में मेरे साथ रहने वाला एक एडवोकेट है, वो एक दिन मेरे सामने आकर बोलता है, अचानक मेरे को अचानक बोलता था, आप मुझे भी यीशु मसीह चाहिए। देखो रोते रोते मैंने कभी उसको नहीं बोला आप प्रभु को ग्रहण करो, लेकिन जरूर सुसमाचार सुनाया, तुमको पढ़ने के लिए कुछ किताब दिया, और उधर आने वालों को मैं वचन देते थे, तो वो एक दिन स्वयं वो आकर के बोला, अचानक मुझे आज कभी यीशु मसीह चाहिए, वो एकदम टूट फूट कर रोने लगा। हमारे जीवन में अपने साथ रहने वाला कोई इस रीति में हमें गवाही दे पाता है क्या? है प्रभु की इच्छा उनके अंदर होने लायक एक ज्योति बनकर के जीवन बिता पा रहे क्या? हम कहीं भी रहे प्रियो, वहां पर हमें एक फलदायक जीवन बिताना, हमारे जीवन दूसरे के लिए एक आदर्श बनना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें प्रभु ने अनुपति ज्योति में क्यों लाया? उसका गुण प्रकट करना, उसका गुण प्रकट करना, क्योंकि आपको मालूम है लोग अंधेरे क्यों चाहता, क्योंकि उन लोग कई बातें छिपाना चाहता है, छिपाना चाहता है। प्रियो ज्योति में कोई बात छिपता नहीं, ज्योति सारे बात को प्रकट करता है, प्रकट करता है। प्रियो बहुत भयंकर बात है, कई लोग कई घर में जाकर के मतलब बेल मारेगा तो 10 मिनट लगता है, क्योंकि टीवी देख रहा था, वो टीवी को बंद करना है, वो कपड़ा डालना है, ये करना वो करना, क्या क्या ड्रामा करके फिर एकदम तो हम कुछ भी किया नहीं, हम सुनने में देर हो गया, ऐसे आकर के आखिर कपड़ा था पूरा नकली। देखो इतना कपड़ा के साथ मैं आपको बोलता ना, हमारे ओरिजिनल जीवन को चाहे जानेगा तो कोई भी हमको प्रेम नहीं करेगा,
जैसे जो बर्फ जो है ना, बर्फ 10% मुश्किल से बाहर रहता है, उतना ही दिखता, बाकी 90% पानी के अंदर है। ऐसे बहुत लोगों का विश्वास होगा जीवन 10% थोड़ा इधर आने के टाइम पर रास करके दिखाता है और तो बाकी पूरा घपला भी 90% प्रकट करने लायक ही नहीं, छिपाने वाले लायक है। प्रियो ऐसा मसीह जीवन बिता करके कोई फायदा है क्या है? आज थोड़ा खोल करके एकदम प्रभु की रोशनी में परख करके, अपने आप को परख करके उत्तर पालोगे? हम कब तक ऐसा कबड़दा दिखा करके जीवन बिताएगा? 100% काम पर मानव अब ज्योति में रहता है, अल्पद ज्योति में, उसमें कोई भी बात नहीं छिपा सकता है। आप देखो आज देखो ज्योति में चलने वाला अनुभव हमारा है क्या, या अभी भी हम बहुत बात ऐसे छिपाते हुए सिर्फ दिखावा के लिए कुछ भक्ति का वेश धारण करके ऐसा करने वाला है? तो प्रियो प्रभु का दृष्टि में उसका कोई मूल्य है क्या? है कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए हरेक पौत्र लोगों को विनती करता हूं, हमें ज्योति की संतान की नयन की उम्मीदान, मैं ज्योति का संतान है, मैं ज्योति में हूं, प्रभु ने मुझे ज्योति बनाकर रखा है, मेरे जीवन को देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह मिलना ही चाहिए, यह अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। ओके, तो पांचवी बात, प्रभु ने हमें अशांति में शांति में बुलाया। काम रहा अशांति में शांति में बुलाया, एक सच्चा शांति के जीवन बिताने के लिए। आपको मालूम है जब यशायाह 48 अध्याय का 22 वचन में हम देखता है कि जो भी मानव पाप में जीवन बिताता है उसको बोलता है दुष्ट, दुष्ट का दिल में शांति नहीं, शांति नहीं, पाप में रहने वाले लोगों के अंदर शांति नहीं। परंतु प्रभु हमें शांति देने के लिए बुला रहा है। उस अशांति के अनुभव से जब पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन का भी पाठ पढ़ना, पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का 15 वचन का भी पाठ। परमेश्वर ने हमें मिलाप के लिए बुलाया। हाँ, किसी ने बुलाया? शांति पाने के लिए बुलाया, प्रभु ने हमें शांति पाने के लिए बुलाया। प्रभु हमें प्रभु की बुलाहट सुनकर के आने वाले सबको, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले प्रभु ने योहन्ना 14 अध्याय में उनको बोला, मैं तो जाने वाला है लेकिन मेरा जाने से तुम्हें फायदा है, है? तो ये बात सुना तो 13 अध्याय से प्रभु का एक एक बात सुनकर के चेलों का दिल टूट गया, बोला तुम्हारा दिल घबराने नहीं। आखिर में उसका 14 का 27 में प्रभु उनको एक अनोखा वायदा दिया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु की ओर से दिया हुआ शांति हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? है आज भी वो शांति हमारे में है? अपन गवाही दे पाएंगे? बहुत अनमोल बात है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रियो प्रभु का दिया हुआ शांति में बना रहना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज वो शांति मुझ में है क्या? आज कितनी प्रकार लोग अशांति में डूबा हुआ है। जरूर प्रियो हमारे जीवन में समस्या आएगा, कई प्रकार का तकलीफ आएगा, उसमें दबना नहीं। अरे कोई समस्या आता है तो भी शांति टूटता है तो भी शांति पाने का मार्ग प्रभु ने बताया ना, फिलिपियों का पत्र उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। देखा कितनी बड़ी बात है, एक वक्त को अशांति में रहने वाला अनुभव नहीं, उसका अवस्था नहीं, कोई भी बात आ गया तो भी वो बात प्रभु को देना और प्रभु का शांति पाना और उसमें बना रहना है। हमारा शांति को टुकराने के लिए, अशांति में डुबाने के लिए विरोधी कोशिश करता है, लेकिन हमारा काम है प्रभु के सामने वो बात को रखना। जरूर हमें ये बात को जानना है कि प्रभु का दिया वो शांति
आज मुझ में राज करता है कि नहीं, ये बात को परखना। तुमने हमें अशांति से शांति की ओर बुलाया है तो वो शांति एक्चुअली प्रभु ने दिया, वो शांति हम लोग जान पूछ कर ऐसे कुछ कार्य करेगा तभी नष्ट होगा, नहीं तो वो शांति कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु ने जो दिया हुआ कोई भी बात नष्ट नहीं होता, पर तो जान पूछ कर अपन उसको नष्ट कर देते हैं। ओके, और छठवीं बात मैं आपको बताऊं, प्रभु ने हमें अशुद्धि से पवित्रता की ओर बुलाया या पाप से हमें पवित्रता की ओर बुलाया, ये भी एक बड़ी बात है। आपको मालूम है हम लोग एक समय में पाप का गुलाम थे। हम लोग कैसे था, मतलब दुष्ट आत्मा के अधीन होकर के पाप करते थे। ऐसा जीवन बिताने वाला हमें प्रभु ने क्या किया, उस पवित्रता की ओर बुलाया, है ना। पहला तो सुनो नहीं क्यों, उसका चार अध्याय का सात बजे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं हाँ। परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखा, प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। हर एक पवित्र लोग जो बुलाहट पाया, अभी आपको मालूम है पवित्रता का आरंभ एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का बुलाहट मिलने के टाइम से, क्योंकि पवित्र कौन है, जिसको प्रभु ने अपने लिए अलग किया उसको बोलते हैं पवित्र। एक्चुअली बुलाहट मिला हुआ वो व्यक्ति उस समय से पवित्र है। तो हमारे जीवन में मुझको बुलाहट मिला है तो मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति होने के कारण मैं पवित्र है। हमें उस पवित्र होने के लिए बुलाहट पाने के बाद उस पवित्रता में बैठते जाना। देखो जब पहला पत्र पहला अध्याय उसका 13-17 16 बजे अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा से सदृश न बनो। देखा कि हम जीवन में हम वही शरीर में रहता है और वही दुनिया में रहता है, इसलिए हम पुराना आचरण में पुरानी बातों में पुराना रीति रिवाज में कभी नहीं जाना। प्रभु ने हमें अलग किया है, हमारा उद्धार हुआ है, आज हम अद्भुत योनि में है, आज हम प्रभु के संतान है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें बुलाहट के योग रीति में प्रभु ने हमें जो बुलाया बचाया हमें उसके योग की चाल चलना। आगे जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला मैं पवित्र है। प्रियो बहुत बड़ी बात है, मसीह जीवन मनमानी में जीने में बिताने वाला बात नहीं है। ये जो मनमानी का जीवन ऐसे कि जीवन मसीह तुम्हें नहीं है, हर रोज एक मसीह व्यक्ति को प्रभु की इच्छा पहचान करके उसमें रहने का कर्तव्य है। यीशु मसीह ये जीवन में आया तो कभी मनमानी में गया नहीं, हमेशा पिता की इच्छा, पिता की इच्छा पहचान करके उस इच्छा के अंदर बना रहा। हमारा भी कर्तव्य ऐसे, हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उस इच्छा में जीवन बिताना। देखो हम हजारों अच्छा काम करने से बढ़कर प्रभु की इच्छा में एक काम करना अच्छा है, ना। आपने अपने को अच्छा लेने वाला हजारों अच्छा काम किया पर उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं, प्रभु की इच्छा में आपने एक काम किया उसमें प्रभु का आनंद और उसका प्रतिफल है, बाकी वो हजारों का प्रतिफल नहीं है। वो तो आपकी अपनी इच्छा की बात है, वो तो प्रभु ने कहा हुआ बात नहीं, प्रभु की इच्छा का बात भी नहीं, वो तो आपको लगा हुआ बात है। शायद आपने बोलेगा मैं इतना अच्छा अच्छा काम करते करते थक गया तो प्रभु खुश हो जाएगा, ऐसे ही क्या नहीं, जैसे मार्दा ने सोचा मैं तो प्रभु के लिए खाना बना रहा था, प्रभु जरूर मुझे पर दया करेगा, पर जो प्रभु बोलते हैं मारते तुम बहुत चिंता करके एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो पाप में है भी। तो ये जो है किसी अच्छा अंश चुना, तूने अच्छा अंश नहीं चुना, प्रभु की इच्छा मरियम ने जाना और तूने प्रभु की इच्छा को नहीं जाना। तुम बहुत काम कर रहा है दुनिया की दृष्टि में, तेरी दृष्टि में बहुत अच्छा काम है, प्रतिबंध नहीं,
पर वो प्रसन्न भी नहीं, क्या फायदा? देखा है प्रियो, इतना पसीना पसीना बहा करके वो आ करके प्रभु को बोल रहे हैं, अभी भी तारीफ नहीं मिला है, उधर आराम से बैठा हुआ मरियम को सौ मार उसने क्या किया? प्रभु की इच्छा जान, इच्छा जान करके ऐसा किया, यही तो बात है। अभी भी हम यहां पर है, प्रभु की इच्छा जान करके जो वाणी सुन रहा है वो धन्य है। साउट रखा प्रतिनिधि आया, परंतु प्रभु की इच्छा में नहीं, कैसे भी सुना, प्रभु को प्रभु मार्ग नहीं देगा, प्रभु मार्ग नहीं देगा। प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया तो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें कितना सावधान रहना, क्योंकि एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें रोज जब इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन वाला कौनादार वचन है, सबसे मेल मिलाप रखो, हाँ सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, हाँ देखा उस पवित्रता की खोजी हो जिससे हम प्रभु भेंट, प्रभु को भेंट कर पाए, प्रभु को देख पाए। देखा, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि, वो शब्द वो प्रयोग वाला कितना गहरा है, अगर हम सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता प्रियो वो प्रभु को नहीं देख पाएगा। प्रभु को देखने के लिए एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, इसलिए बोलता है कि तुम उस पवित्रता की शुद्धता की ओर जाने के लिए तुम बहुत उत्साही बन, बहुत उत्साही। एक प्रकार मतलब दूसरा कुरिंथियों में ऐसे लिखा है, दूसरा कुरिंथियों 7 अध्याय का 5 वचन, अते हैं प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा, शरीर और आत्मा की सारे मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, पवित्रता को सिद्ध करना, रोज पवित्रता को सिद्ध करना, प्रेस लॉर्ड आमेन। हमें पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ते जाना। आपको मालूम है प्रभु के दृष्टि में स्वर्ग भी पवित्र नहीं, स्वर्ग दूतों पर भी प्रभु दोष लगाता है, ऐसा है। तो अभी आप सोचो हम लोग मिट्टी के पुतले में रहता है, हम लोग कैसा प्रभु के सामने धर्मी बनेगा? लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर इतना हुआ है, पुत्र के द्वारा हमें इन सारे बातों में विजय पा करके एकदम प्रभु के निकट रहने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया है। आज हमें उस श्रेष्ठ अनुभव में पहुंचने के लिए मौका है, मौका है ना। जब मत्ती 5:8 में पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने क्या बोला, जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा, वो प्रभु को देखेगा। प्रियो बहुत बड़ी बात है, आज मेरा दिल पवित्र है क्या, मेरे दिल में कोई कपटता है क्या, प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या? ये बातों को हमें परखना चाहिए, क्योंकि 51 वचन संहिता का 6 वचन में लिखा है प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता। हमारे हृदय में सच्चाई होना, या सच्चाई बोलेगा तो प्रभु का वचन, नहीं तो प्रभु, इसके बाहर सच्चाई नहीं। यीशु मसीह सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं सच्चाई हूं, और वचन सत्य है, ये वचन सत्य है, इसलिए वचन नहीं तो प्रभु हमारे हृदय में भर जाए, हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न रहे। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में पार करना। आज मेरे दिल में मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में कहां तक मैं विजयी है। प्रियो एक बात जानना, थोड़ा भी पाप हमें प्रभु से दूर करेगा। आज बहुत लोग प्रभु से प्रभु की संगति को ही नहीं चाहता। अब मालूम है क्योंकि ना जो पाप में जीवन बिताता है ना उनको ये तड़प नहीं रहता, वो भी एक चिन्ह है। एक सच्चा पवित्र जीवन की चाहत करने वाला उनके अंदर प्रभु के संगति का तक तड़प रहता है, क्योंकि उसको मालूम है तभी मैं पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ सकता हूं। उनके दिल में ये बात का गवाही रहता है, हमें परखना है। आज मेरे जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति मेरे अंदर वो तड़प है क्या? ये तड़प होना जरूरी बात है, उस तड़प के साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा की बात भी है, अपने को परखना है। मैं उस धर्म के साथ आज जीवन बिता पा रहा हूं, तो प्रभु ने हमें अशुद्धि से या पाप से काम बुलाया, पवित्र जीवन के लिए बुलाया।
आज मैं पवित्र जीवन बिताने में कहा विजय ये बात को हमें परखना। और सातवीं बात भी मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु ने हमें मतलब फिनरा से मेल मिलाव में बनाया, फूट फिनरा फिनरा फूट फिनरा फिनरा से हमें मेल मिलाव या संगति में बुनाया है, बहुत बड़ी बात है। जब पहला कुरिंदी पहला अध्याय का नौ वचन प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकता था, पर आज हमें प्रभु के साथ का संगति में बुलाया। आज हमें वो संगति मिलने के बाद में आज कहां तक वो संगति से हमें प्यार है। जब पहला योगना पहला अध्याय उसका 6 और 7 वचन में हम लोग पढ़ता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, देखो हम बोलता है प्रभु के साथ हमारे संगति है, और फिर अंधकार में चले, हाँ ऐसा लोग फिर कैसा अंधकार में नहीं चल सकता। अंधकार का मतलब पाप, वो पाप में नहीं चल सकता। ज्योति में चलने का मतलब वो एक सच्चा पवित्र जीवन, एक निष्कपट जीवन, एक कलंकित जीवन है ना। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, इसका अंदर को जानना। हम प्रभु में है तो हम ज्योति में चलता है, ज्योति में कोई भी बात छिपा नहीं सकता, सबको दिखता है। चोर किस लिए मारा अंधेरा ढूंढता, हाँ वो कोई नहीं देखना चाहिए दिन भर करेगा तो तुरंत पकड़ेगा। हाँ प्रियो, हम ज्योति के संधारी, हमारे जीवन में चोरी चुपके से करने वाला कोई काम नहीं हो रहा। आज कितने लोग ऐसा काम करता है कि मतलब वो प्रभु में नहीं है, इस बात का सबूत है। जो भी अगर अंधेरे के काम या पाप करते हुए जीवन में जाता है उसको प्रभु के साथ संगति नहीं है। और आगे पढ़ना, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसे वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसे वो ज्योति में है ऐसे हम भी ज्योति में चलेगा तो एक दूसरे की सहभागिता। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में आज प्रभु के साथ का हमारे सहभागिता। वही पहला योगना उसका पहला अध्याय का 3-4 वचन में योगना गवाही देता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे यहाँ सहभागी हमारे ही सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। कितना बड़ी बात है। हाँ जी, हमें वास्तव में प्रभु के साथ का संगति सौभागिता कहाँ तक है। प्रभु के साथ संगति करने वाले लोगों का जीवन कितना एक प्रकाशमान जीवन है ना। जरूर आप देखो, अभी आप इतना भी प्रकाश पा करके भी ये दुनिया में निकलेगा ना, दुनिया की तरफ देखेगा तो प्रकाश पूरा बुझ जाएगा क्योंकि ये दुनिया का इतना असर है, पाप का इतना भारी असर है। आपको टेंशन में आएगा, दुनिया की कोई भी चिंता में जाएगा तो, कल की चिंता में जाएगा तो सब टेंशन में लाने वाले बात है। लेकिन आप स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाएगा तो, प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा तो इतना आप आनंद से मग्न हो जाएगा, आपका चेहरा कैसे चमकेगा नहीं सर। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमें कहाँ से कहाँ पर बुलाया है, ये बात है उसका महत्व जानना। 7 बात मैं आपको बताया। पहली बात, हमें उस परिश्रम से विश्राम की ओर बुलाया, परिश्रम से विश्राम की ओर। दूसरा, हमें मृत्यु से अनंत जीवन की ओर बुलाया, अनंत जीवन की ओर। तीसरा, गुलामी से आजादी की ओर, गुलामी से आजादी की ओर या स्वतंत्रता की ओर बुलाया। चौथी बात, अंधकार से हल्फुद ज्योति, सादा ज्योति नहीं हल्फुद ज्योति में बुलाया। और 5वीं बात, अशांति से शांति की ओर बुलाया। और 6वीं बात, हमें अशुद्धि या पाप से पवित्रता है शुद्धि उसकी ओर बुलाया। और आखिरी बात, हमें मतलब उस
दूरी से निकटता में बुलाया या हमें मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भिन्नता फूट फूट से हमें मेल क्यों बुलाया फूट से मेल क्यों बुलाया पहला जीवन फूट था या बिगड़ा हुआ जीवन था दूरी के जीवन था पर जो अभी हमें प्रभु का साथ मेल का जीवन मिलता है कितना धन्यवाद है भैया ये बुलाहट का महत्व जानेगा तो हमें बुलाने वाला प्रभु को हम कैसे सम्मान करना चाहिए प्रेसर अभी प्रभु की इच्छा है तो उपवास प्रार्थना के बाद अगर समय मिल गया तो मतलब बुलाहट पाया हुआ एक व्यक्ति का थोड़ा सा जीवन का एक गवाही आपको लेकर के समाप्त करना चाहता हूँ बहुत ही अनमोल मतलब बात है जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे प्रभु को महिमा मिले आमीन।